उनका इस बिजनेस को करने की विशेष डिसीजन जो है किसी सेमिनार में लिया जाता है। इसलिए सेमिनार इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस बिजनेस ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये आपको समझ लेना है। यदि आप चाहेंगे ठीक है मैं आ गया, लोग आएंगे, तो फिर आपका बिजनेस की कभी स्पीड नहीं बन पाएगी। और जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 साल में कोई बहुत बड़े हालात नहीं बदले, उसके पीछे यही कारण है कि हम सिर्फ लोगों को बुला रहे हैं। हेलो, बुलाने से नहीं आएगा, उसको आज 4 काम है। ये काम उसकी टॉप प्रायोरिटी होगा तो आएगा, उसकी प्रायोरिटी नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो उस मीटिंग में मैं गया और वहां पर बहुत कुछ मुझे सुनने को देखने को मिला, कई चीजों ने मुझे रिलेट किया, मैं उसके कई एग्जाम्पल देता हूँ, कई चीज मुझे सुनने को मिली वहां पर, और मैंने अपने काम से उन सारी चीजों को रिलेट किया। सबसे बड़ी चीज ने मुझे रिलेट किया जो अभी मोहन जी बोल रहे थे रास्ते में, पैसिव इनकम, जिसको मैं कोट करता हूं। दूसरा एक शब्द ने मुझे वहां रिलेट किया, अभी आपने मार्केटिंग प्लान देखा होगा, कंपनी, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, सी एंड ए ब्रोकर, प्रमोटर्स, ये बाजार व्यवस्था है। इट इज आल्सो दूसरा इस चीज ने रिलेट किया कि इस बाजार में आज बहुत बड़ा टर्नओवर है, आप इस बाजार में दुकान खोल सकते हैं किसी शहर में, आप इस बाजार में हिस्सा करने के लिए कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई प्रोडक्शन यूनिट लगा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी जिंदगी भर इस बाजार के हिस्सेदार नहीं बन सकते, इंडिया के बाजार के। बट यदि आप आरसी बिजनेस को समझ जाओ, आज एक प्रोडक्ट है, एक पैंट है, कल को शर्ट भी आएगा, साबुन भी आएगा, पत्ती भी आएगा, अगरबत्ती भी आएगा, और बहुत सारा नमकीन भी आएगा, बिस्कुट भी आएगा, नमक भी आएगा, पेस्ट भी आएगा, यदि आप समझ जाओ तो आप इस बाजार के 45% के मालिक बन सकते हैं। दूसरी ऐसी और तीसरी सबसे बड़ी चीज रिलेट की, आज तक कोई व्यक्ति जिंदगी में नौकरी करके अमीर नहीं बना है। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, ये ऑल आर बिजनेस में, और इस बिजनेस में लिखा हुआ है आरसीएम बिजनेस। ये एक ऐसा काम है जो आपको ना केवल अमीर बना सकता है, बल्कि ये बिजनेस की एक पावर है, यहां पर एक नॉमिनी का ऑप्शन है। जैसे आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, आपको आगे बिजनेस नहीं करना तो वो पूरा का पूरा बिजनेस आपके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है। आप बूढ़े हो जाते हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल, अब आपको लगता है कि मुझे बिजनेस नहीं करना, आप इस बिजनेस के डायमंड बन जाते हैं, आपकी महीने की इनकम 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ हो जाती है। और जैसे आपको लगता है मुझे बिजनेस नहीं करना, और आप कंपनी में एप्लीकेशन देते हैं, और ये आईडी यू का ही अपने बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाती है, उसको बिजनेस की एबीसीडी आती हो या नहीं आती हो, यह आपको 7 पीढ़ियों का अमीर बना सकता है। इन 3 चीजों ने मुझे बहुत रिलेट किया। मुझे लगा कि ना तो मेरे काम में पैसिव इनकम है, ना मेरा काम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाला है, ना मैं मेरे काम से कभी बिजनेसमैन बन सकता हूं, और ना मेरे काम से मैं कभी इस बाजार का मालिक बन सकता हूं। कोई दुकान नहीं करनी, कोई फैक्ट्री लगानी, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी, बस इस बिजनेस को डेवलप करना है। और यदि आप इस बिजनेस को डेवलप कर गए तो यह बिजनेस आपको करोड़ों की इनकम देने के लिए आपको तैयार कर सकता है। इन चीज़ों ने मुझे बहुत रिलेट किया, और वहीं बीते बैठे बैठे मैंने फैसला किया ये बिजनेस मुझे करना चाहिए। हेलो, करना चाहिए। और करना चाहिए तो मेरे सामने एक सवाल आया कि 14 घंटे रोज काम कर रहा हूँ तो करूँगा तो कब करूँगा, टाइम तो नहीं। तो वहीं बैठे बैठे कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, देर इज बिल, रास्ते निकल आते हैं, है ना। जैसे पता चला 14 घंटे तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मन ही मन फैसला लिया इन 14 घंटों में 6 घंटे की नौकरी है और 6 घंटे कोचिंग के हैं, क्यों ना कोचिंग सेंटर को बंद कर दूं। जो 6 घंटे वहां लगा रहे हैं, यदि वो 6 घंटे इस बिजनेस में लगाए जाएं, तो ये बिजनेस मुझे रईस बना सकता है। और मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेके मैं घर आया, तो घर जाके मैंने जब इस चीज को चर्चा की, घर वालों ने शाबाशी दी होगी मुझे, है ना। बड़ा अच्छा काम करके आए, एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम को बंद करके अब ऐसी जगह जा रहे हैं जिसका पता नहीं है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, प्रोडक्ट लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, ये पेंट लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, आप कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे। तो पूरा घर में इस चीज को लेकर विरोध था,
पूरा घर अंगेस्ट था। उस मीटिंग में एक बात मैंने सुनने को मिली कि यदि आप किसी भी काम की चर्चा ऐसे व्यक्ति से करते हो जिसको उस फील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो आपको कभी सही राय देने वाला। और यदि आप उस काम की चर्चा ऐसे व्यक्ति से करते हो जिसको उस फील्ड के बारे में पूरा पता है, तो व्यक्ति आपको सही राय देगा ही देगा। और एग्जांपल दिया, यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, और ऐसे व्यक्ति से राय लेते हैं जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्या मेरा बेटा बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, उसकी हाथ की जो एंगल बहुत शानदार जाता है, बॉल बहुत अच्छी जाती है, क्या मैं मेरे बेटे को क्रिकेट अकेडमी में डाल लूं, क्या वो क्रिकेटर बन जाएगा? और जिस व्यक्ति को क्रिकेट का पता ही नहीं, वो क्या कहेगा, करोड़ों बच्चे खेल रहे हैं, नंबर आने वाले सिर्फ 11 बच्चे चाहिए खेलने के लिए, क्यों इसका करियर खराब कर रहा है, इसको कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा ले, ये पढ़ गया तो अच्छी नौकरी लग जाएगा। Am I right? Yes, but यदि आप वही चर्चा करते जाके सचिन तेंदुलकर से कि सर मेरा बेटा आपकी तरह क्रिकेटर बनना चाहता है, बहुत बड़ा इंडिया का बैट्समैन बनना चाहता है, आप बताइए क्या ये बन सकता है? तो बिल्कुल कहेगा, इसके अंदर मेरे से भी ज्यादा क्वालिटी है, अब इसको कोचिंग दिलवाइए, ये क्रिकेटर बन सकता है। और जैसे मैंने घर में चर्चा की तो मेरी समझ में आ गया, मेरे घर में किसी भी व्यक्ति ने इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है, तो उनकी ओपिनियन तो वैसी आएगी जैसे उनको पता है, इसका मतलब ये ओपिनियन सही नहीं हो सकती। मुझे उस व्यक्ति की ओपिनियन पर चलना जो मीटिंग में बोल रहा था, ये आपको रेस बना सकता है। मेरा डिसीजन फाइनल था कि मैंने कोचिंग सेंटर को बंद करना है, पूरे घर में विरोध हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने 6 महीने का घर वालों के साथ एग्रीमेंट किया, क्या मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए, यदि 6 महीने में मैं कुछ नहीं कर पाया तो इस कोचिंग सेंटर को दोबारा रीओपन किया जा सकता है, मैं सवाल निकालने भूलने वाला नहीं। घर वालों को लगा कि 6 महीने का टाइम दिया है, 6 महीने में जो दिमाग में भूत सवार हो रहा है ना, वो ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं, 6 महीने का नुकसान सही। हेलो, घर वाले इस इंतजार में थे कि कब 6 महीने पूरे हों और ये इस काम को छोड़े, और मैं इस इंतजार में था कि कब 6 महीने पूरे हों और मुझे घर वाले सपोर्ट करें। हेलो, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि यदि आप कोई भी डिसीजन साफ नियति से लेते हैं, ईमानदारी से लेते हैं, तो ऊपर वाला आपके डिसीजन में आपका साथ देता है। और मेरे लिए एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट था। ड्यूटी के बाद में आते ही अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेता, रात को 11 बजे से पहले घर में कभी नहीं आता था, लोगों से मिलता था, और जब लोगों से मिलता था तो बहुत लोग नो करते थे, लेकिन फिर भी उस बहुत सारी नो के बाद कुछ ना कुछ लोग यस भी करते थे, और धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बनना शुरू हुआ, मेरे साथ लोग जुड़ना शुरू हुए, टीम बढ़नी शुरू हुई। और कमाल की बात देखिए, इन द 6 मंथ्स आई वॉज रोल्टी चीफ ऑफ फॉर्च्यून बिजनेस, जब केवल एक वर्ष होता था, और उस समय मेरा जो रोल्टी इनकम का स्टेटमेंट जारी हुआ, ये 2001 की बात है, उस समय मेरा रॉयल्टी इनकम का जो स्टेटमेंट जारी हुआ वो लगभग मेरे कोचिंग सेंटर की इनकम के बराबर था। और जैसे ही वो स्टेटमेंट आया, मैंने घर वालों को फिर इकट्ठा किया, आपातकालीन बैठक बुलाई, आपने 6 महीने का टाइम दिया था, अब बताओ क्या करना है, और आप कमाल की, अब बड़े हैरान हो जाएंगे, पूरे घर वाले अब ये बिल्कुल कह रहे थे, अब आप चाहो तो आरसीएम बिजनेस कर सकते। मैसेज क्या है? मैसेज ये नहीं है कि मैंने कुछ कर लिया, मैसेज ये है जब आप कोई भी काम करने का डिसीजन लेते हैं तो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने डिसीजन को राइट प्रूव कर देते हैं तो घर वाले तो क्या, पूरी दुनिया आपके साथ लगने लग जाती है। तो इस बिजनेस में आपको किसी और को प्रूव नहीं करना, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि मेरा डिसीजन सही है, मेरा फैसला सही है, मेरा सिस्टम सही है, मेरी इनकम सही है, आई एम ग्रोइंग, और दुनिया ग्रोइंग व्यक्ति के साथ लगना पसंद करती है सर। और वही व्यक्ति जो आपको मना करते थे वही आपके साथ बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन द 9th मंथ आई वॉज टेक्निकल चीफ ऑफ आरसीएम बिजनेस। 2001 में ये काम शुरू हुआ और 2007 आते आते इन 6 सालों में आरसीएम बिजनेस से मुझे इतना पैसा आ चुका था जितना हरियाणा गवर्नमेंट मुझे रिटायरमेंट तक देने वाली थी। हेलो, तो जब इतना पैसा आ ही लिया तो फिर नौकरी पे काहे का जाना। और 2007 में मैंने नौकरी को क्विट कर दिया,
और आरसीएम बिजनेस की वजह से आज इंडिया के हर कोने में मुझे आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। एक बार देखिए, उस समय ना नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल था, ना कंपनी की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी, ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी थी, ना कोई ट्रेनिंग के मॉड्यूल थे, ना कोई इतनी अच्छी बुक्स अवेलेबल थी, ना कोई इनकम के एग्जाम्पल थे। आज सारी चीजें हैं। तो आप इस चीज को आज विश्वास कीजिए, जब उस हालात में ये काम हमने कर लिया, तो जो काम मैं पिछले 20-21 साल में कर पाया, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ अगले 3 साल में आप उससे भी कई गुना बड़ा काम कर सकते हैं। बस आपको इस बिजनेस की नेचर को समझने की जरूरत है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस बिजनेस? इस बिजनेस की नेचर ये है कि जैसे आप काम करते हैं ना, बस कुछ समय के लिए अपने आप को भूल जाइए और इन लोगों के लिए काम कीजिए। हेलो, अपने लिए नहीं, इन लोगों के लिए काम कीजिए। जब ये लोग कामयाब हो जाएंगे तो आप तो कामयाब ऑटोमेटिक है सर। दुआएं नहीं कर रहे हो तो इन लोगों के लिए दुआएं कीजिए। ये कामयाब होगे तो आप अपने आप कामयाब। ये इस बिजनेस की नेचर है। ये सेल्फिश होकर नहीं चलता, सेल्फिश होकर नहीं चलता। ये दूसरों के लिए दुआ मांगने के लिए चलता है। और मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया, मैं दोबारा आपको एक एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं। किसी शहर में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, उसका खाना बहुत शानदार था, हेल्थ कार्ड ऑयल बनाता होगा, आरसीएम के मसाले यूज करता होगा। तो उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी, खूब भीड़ रहती थी। एक व्यक्ति रोज उसके होटल में खाना खाने के लिए जाता, उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता। उसने एक दिन क्या देखा कि एक लड़का आता है छोटा सा, और उस रेस्टोरेंट में खाना खा के और खाना खा के भाग जाता है, बैक डोर से निकल जाता है, कभी खाने का पैसा नहीं देता। एक दिन देखा, दो दिन देखा, और दो दिन के बाद उसने फिर ऐसे घटना देखी, वो लड़का खाना खा के भाग गया और वो जाके होटल के मालिक से मिला कि भाई साहब, मैं आपका परमानेंट कस्टमर हूँ, लेकिन मैं आपको आपकी सलाह दे रहा हूँ, मैं आपका हितैषी हूँ। आपके होटल में एक लड़का रहता है, रोज खाना खा के बिना पैसे दिए भाग जाता है। होटल के मालिक ने उसकी बात को ज्यादा छोड़ो, पहली बात को ऐसा है नहीं, होगा तो कोई बात नहीं, आप अपने काम से। उसको लगा कि यार मेरी बात को इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब मैं कहीं ना झूठ बोल रहा हूं। हर व्यक्ति अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे फिर उसने देखा कि वो लड़का खाना खा रहा था और खाना खाते भाग गया, और फिर वो गया भागा भागा कि देख आज वो लड़का खाना खा के भाग गया, पैसे नहीं देके गया। उस होटल के मालिक ने फिर उसकी बात को इग्नोर किया कि नहीं सर, आपकी कोई गलती होगी, गलतफहमी हो गया, ऐसा नहीं। अब उसको लगा तो ये बात शुरू करनी पड़ेगी। अगले दिन वो भीड़ होने से पहले आ गया, आज तो मैं उसको आते ही पकड़ूंगा और इसको बताऊंगा देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो आते ही बैठ गया और बैठ के इधर उधर देख रहा, तो होटल का मालिक आया, उसने पूछा सर आप क्यों बैठे हैं इधर, क्या खाना खाइए ना। लेकिन मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा हूं, वो कहां है। होटल के मालिक ने कहा आओ मैं बताता हूं कहां पर है। वो पकड़ के लेके गया, लड़का बाहर बैठा हुआ था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा ये बच्चा इसलिए नहीं आया क्योंकि अब तक भीड़ नहीं आई है, और ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कब भीड़ हो और कब मैं खाना खाऊं। आज ये जो कुछ भी चल रहा है ये मेरी वजह से नहीं चल रहा है, ये इस बच्चे की प्रार्थना और दुआओं की वजह से चल रहा है। यही इस आर्शियम बिजनेस की नेचर भी है। ये केवल मेरे और आपकी वजह से चल रहा है। जिस दिन लोगों की दुआएं आपके बिजनेस में साथ आ गई, जिस दिन आपने लोगों को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया, उस दिन आपके बिजनेस की स्पीड रॉकेट की स्पीड जैसी बन सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज इस बिजनेस की नेचर को समझिए। हेलो, समझ रहे हैं? खुद के लिए नहीं, करने का नहीं है सर, लोगों के लिए काम कीजिए, लोगों के लिए अच्छी अच्छी ओपिनियन रखिए, किसी के बारे में कभी गलत धारणा मत बनाइए। इसलिए द फर्स्ट पॉइंट इज लर्न द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की नेचर को समझिए। दूसरा, अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस।